بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يوم عيزي تحدث أخبارها بأن ربك أو لها يوم عيزي يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة يرى दूसरे सर पाक से पूछा गया कि मेरे दो पड़ोसी हैं मैं उन दोनों में से किसके पास हदिया भेजूँ ने फ़रमाया कि जिसका दरवाज़ा तुझसे तो ज़्यादा करीब हो असलक वरह वबरकू वेलकम टू लाहौर देखा हाउ आर यू माई बी फाइन इनशाला तो गेट रेडी तो जनाब शुरू से शुरू करते हैं तो मैंने शुरू किया है क्लीनिंग प्रोग्राम किचन की हालत देखो ये रमज़ान से तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता पहले की बात है तो मैंने कहा सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखा दिया जाए आफ्टर क्लीनिंग का भी सीन दिखाया जाएगा तो ये है जी बिफ़ोर क्लीनिंग और ये आया जी आफ्टर क्लीनिंग माशाला ज़बरदस्त रमज़ान की तैयारियाँ हैं और हमारा किचन लश लश कर रहा है बहुत ही शाइनी कर रहा है और इसके साथ ही मैंने आपके साथ एक दुआ शेयर की थी स्टार्टिंग में सूरत जलजिला जिस जैसे कि आप जानते हैं कि कल लाहौर में और पंजाब के एरिए में इस्लामाबाद में पिंडी वगैरह में काफ़ी शदीद जलजिला आया था अल्लाह ताला सबको अपने रहम करम के साथ अल्लाह ताला ने बड़ा रहम फरमाया और शदीद जलजले की शिद्दत तो बहुत शदीद थी मगर अल्लाह ताला ने हम सब पर रहम इसी तरह अल्लाह ताला हम सब पर रहम करता रहे और हमारा खात्मा ईमान के साथ हो आम सुमीन तो जी आज हम शुरू करने लगे हैं सहरी की तैयारी क्योंकि क्योंकि आज नहीं तो कल जमेरात की रात को हमारा हो जानी है सहरी का प्रोग्राम शुरू और उसके लिए मैंने आपको एक रेसिपी शेयर की है जो हम झटपट से आपको बनाना बताऊंगी मैं आपको वो है जी सिर सवैयाँ जैसे कि मीठी सवैयाँ होती हैं तो उसके लिए मैंने दो चम्मच लिया है ये घी लिया है और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाली है दो तीन छोटी इलायची सब्ज़ इलायची जो होती है वो खोल कर इसके अंदर डाल दी है उनको कड़कड़ाया कर है फिर उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर एक, एक बॉल कर चीनी का डाला है ये देखिए और इसको मैंने डाल घोल लेना है पानी डालकर एक आधा गिलास मैंने इसके अंदर डाला है पानी जिससे ये कि ये घुल जाए इतना नहीं डालेंगे कि बहुत ही ज़्यादा शरबत बन जाए बस इसको हमने मेल्ट करना है ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद हमने दूसरी चीज़ें इसके अंदर डालनी जैसे कि जाएगा इसके अंदर फूड कलर जाएगा येलो या अगर येलो कलर नहीं लेमन कलर नहीं है आपके पास तो आप इसमें ज़रदे का कलर भी ऐड कर सकते हैं एज योर विश इसके बाद मैंने ली हैं सोइयाँ जो मिल जाती हैं मार्केट से बारीक वाली सोइयाँ जो होती हैं ये मैंने मंगवाई हैं दो पैकेट तो मैं आपको बताती हूँ ये आपने किस तरीके से यूज़ करनी है कटिंग करने के बाद आप इसको निकालें पूरी मेरे को बाहर और उसके बाद के छोटे छोटे पीसेज़ आपने करने हैं बिल्कुल छोटे छोटे करते जाइएगा और आ, आराम से कीजिएगा वरना ये पूरी आपके किचन में फैल जाएंगी इतनी क्रिस्पी होती हैं तो बहुत ही एहतियात से आपने इसको करना है छोटे छोटे पीसीस में दो सेवैयाँ तो आप बना ही लेते हैं अच्छा नहीं आती चलो वो भी मैं आपके शेयर कर दूँगी किसी दिन किसी रोज़ में दूध वाली सवैयाँ भी बनाऊँगी तो वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है इसको बनाना बहुत से लोग समझते हैं बहुत मुश्किल होता है मगर ऐसा नहीं है जैसे मैं बना रही हूँ आप इसी तरीके से बनाइएगा झटपट से तैयार होने वाली है अगर आप सैरी में भी बनाकर आप सर्व करते हैं तो ये भी फटाफट से दस से पंद्रह मिनट में आपकी बनकर तैयार हो जाएगी और अगर चाहते हैं कि आपने कि मेहमानों के सामने अपने सर्व करना है तो उसके साथ भी अभी सर्व कर सकते हैं वो वाला आ चुका है पानी के अंदर मैंने इसके अंदर सिर्फ वही पानी रखा था जो आपके सामने मैंने ऐड किया था उसके बाद बारी ये बारीक बारीक सही जो आपके सामने जो बिल्कुल पीसेस किए हैं बारीक बारीक इनको मैंने सबको एक साथ इसके अंदर डाल दिया और उसको चलाया है कैमरे को ज़रा मैं सेट कर लेती हूँ ये देखें थोड़ा सा प्रॉपर कैमरा नहीं ये देखें अब थोड़ा आगे है कैमरा इसके ऊपर अब ये देखिए हम चलाएँगे इसको इसलिए कि जिससे कि सब जगह ये मीठा पानी जो है अच्छी तरीके से सब सिवैयों में पहुंच जाए ये ना हो कि कहीं से फीक ही रह जाए और कहीं से खुश रह जाए तो वो आपको फिर पता है कि अच्छी नहीं लगती इसलिए उसको गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा सा गलाना भी है हमने अगर आपको लगता है कि पानी बहुत ही कम है और शीरा बहुत थिक हो चुका है तो उसमें पहले पानी थोड़ा सा ऐड कर लें क्योंकि सिवैयों को गलाना भी होता है इसलिए ये देखिए मैंने तीन से चार मिनट तक मैंने इसको गुलाया आप देख ही हैं इसका पानी अभी खुश्क हो चुका है अब मैं इसको करूँगी दम पर इसको और बुलाऊँगी जिससे कि ये थोड़ी सी और कुक हो जाए उसको ढकने के बाद मैं इसको स्लो फ्लेम पर मैंने इसको करना है पाँच मिनट के लिए कुक और एक बार मैं इसको चला देती हूँ ये देखें अच्छी तरीके से चलाने के बाद इसको हमने ढककर दम पर रखना है तकरीबन तो पाँच मिनट के लिए ये गया ढक्कन और हम इसको पाँच मिनट के बाद खोल कर देखेंगे तो हमारे एकदम सवैयाँ एकदम रेडी रहेंगी प्रेजेंट करना है मैंने एक बॉल के अंदर स्क्वायर बॉल मैंने लिए है और ये गई सवैयाँ उसके साथ ये पहचानो थी इसके साथ थोड़ा थोड़ा शीरा भी रहेगा और अगर बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपने बनानी है तो पानी एकदम तो बिल्कुल ख़त्म कर दें वो हो जाता है आपका दूसरा स्टाइल की सवैयाँ बनती हैं ये मैंने बनाई है चीज़ शीर या फिर इनको शीरा सेवैया भी कहा जाता है ऊपर से गार्निश करना है मैंने लिए हैं बादाम छः सात बादाम को मैंने इनको बारीक क्रश कर लिया है कोट लिया है इनको और या फिर आपको लंबाई में भी इसको काट सकते हैं या बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी आप इसको करके ऊपर से कर सकते हैं गार्निश और ऊपर से सिल्वर जो चांदी के वर्क होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपने मेहमानों के सामने सर्व करना है ये हमने सैरी के लिए तैयार किया है तो ये देखिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है मीठा आइटम जो होता है सैरी में और एकदम फटाफट से बनने वाली है मैं आपके साथ ही ये पूरे महीने ऐसी ही रेसिपी शेयर करूँगी जो आपको फटाफट से बन जाए जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और आपको बनाने में भी आसानी होगी कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने जो घर वाले इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ मैंने वही यूज़ किए हैं बाहर से कोई एक्स्ट्रा आइटम मैंने मंगवा कर इसके अंदर डाला है और ये गेट रेडी एकदम टेस्ट करने के लिए तैयार है और बिसमी और ये मैंने टेस्ट की है बहुत ही मज़ेदार है अब ज़रूर बनाइएगा अपने सहरी में या जैसे आपका दिल करता है मेहमानों में और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आपको मेरे चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो कमेंट्स भी कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा ओके फिर हाफिज़